Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम देखेंगे। सर्कल को एक तो हम इक्वेशन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h कॉमा के सेंटर है और r जो है रेडियस है। इसकी एक और फॉर्म होती है जिसे हम जनरल इक्वेशन कहते हैं। वो फॉर्म क्या होती है? वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल एज, यू कैन सी दिस, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये एक और फॉर्म है जिसे जनरल फॉर्म कहा जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा। किस तरह से ऑब्टेन्ड होती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है। अब जरा आप इसे एक्सपेंड करें, x माइनस एच का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर, दिस इज प्लस 2h स्क्वायर माइनस के 2xh। उसी तरह y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk, और r स्क्वायर को मैं राइट से लेफ्ट में लेके आ रहा हूं तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप जरा देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने एक तरफ ले लिया, उसके बाद माइनस के 2xh, इसके अलावा माइनस के 2yk, और जो बाकी आपका बचा पार्ट रह गया यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पार्ट एज इट इज आ गया। तो अब जरा अगर कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और ये वाला आपका यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज h स्क्वायर प्लस यहाँ पर c था आपका। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, g की वैल्यू आ गई आपकी इज इक्वल टू माइनस h, f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के, और r की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे अगर हम देखें, यानी c की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब इसी से जो है हम ड्राइव कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई हो इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो वहां से हम सेंटर भी बता सकते हैं और रेडियस भी बता सकते हैं। सेंटर और रेडियस आप कैसे बताएंगे, माइनस के जी कॉमा माइनस एफ, यानी के हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ वाई, और उसके अलावा इन दोनों का स्क्वायर करा के इसमें माइनस करा देंगे सी कांस्टेंट की वैल्यू और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सी द एग्जांपल इज फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 6x प्लस के 4fy माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप कंपेयर कराएं इसे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखें g की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम देखें यहाँ पे बल्कि प्लस 2g की वैल्यू, अगर मैं देखूं प्लस 2g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और यहां से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी -3। सिमिलरली y का कोफिशिएंट क्या होता है 2f, तो 2f की वैल्यू क्या आ गई, 2f की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिमिलरली जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट -12 की, तो अब यहां पर कितना हो गया, माइनस सेंटर क्या होता है, सेंटर इज माइनस g कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर होता है, दैट इज माइनस ऑफ जी कितना हो जाएगा +3 एंड माइनस ऑफ एफ इज -2, ये 3 कॉमा -2 सेंटर आ गया। और रेडियस आर कितना आएगा, आर आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज जी का स्क्वायर, यानी कि जी कितना है आपका -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एफ कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसमें से जब हम माइनस कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे 12, क्योंकि यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है -12, एफ की वैल्यू -12, तो 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, और ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25। और फिर जब 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, तो 5 यूनिट क्या आ गया, रेडियस आ गया। नाउ ये थे सर्कल पर बेस्ड कुछ जो है एग्जांपल। अब हम सर्कल पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे अपने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर में। तो सीधा एक्सरसाइज